हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। मैं सरसरी चंद और आज मैं आप लोगों के लिएसन टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैथ सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर 2.1 यानी कि लॉगरिथम चैप्टर का जो है पहली एक्सरसाइज लाया हूँ, जो है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि ये ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए, बहुत आसान है, सोल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये साइंटिफिक नोटेशन आपका फिजिक्स में टॉपिक भी है। ये इस वजह से किया जाता है ताकि बड़े नंबर या फिर छोटे नंबर्स को जो है बहुत कम मासेस या ज़्यादा मासेस वाले नंबर्स को एक्सप्रेस करना जो है टू द पावर ऑफ 10 बेस 10 के जो है बेसिस पे इसको रिप्रेजेंट करना यानी एक्सप्रेस करना आसान हो जाए। बहुत आसान है, आए ज़रा चलते हैं। एक और भी गुजारिश, ये मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है, ताकि आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और मैथ्स के हम वीडियोस बनाते रहेंगे, फिजिक्स के भी बनाते रहेंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा ये चैनल, और ज़रूर जो है लाइक करिएगा हमारे वीडियो को भी जी। तो पहला हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, 9700 मीन्स के 9700 हमारा क्या है नंबर दिया हुआ है, इसको हमें किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले क्या है, जहाँ देखें कोई डेसिमल नज़र आ रही है, नहीं आ रही है, यानी कि एंड में होगी। और हमेशा नॉन जीरो डिजिट जो होगा नंबर, वो हमेशा एक नंबर के बाद ये हमें डेसिमल रखनी है हमेशा। यानी कि ये डेसिमल यहाँ से कैरी करेगी इधर को और इधर आ जाएगी, यानी कि 9.7 × 10⁻¹। देखें ये हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, ये हमें किधर मुड़े हैं, लेफ्ट की तरफ। तो याद रख लें, जब भी आप लेफ्ट में जाएंगे आप जो है पावर क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो अब हम लेफ्ट में गए, कितने कदम, 1 2 3, तो तीन स्टेप गए, तो 9.7 × 10⁻¹ कितने आ गए, 3। ये आंसर आ गया, इतना ही आसान था। एक दूसरा देख लेते हैं, क्या था, क्या है इधर, ये है 4,98,000, ठीक है। तो 4,98,000 यानी इधर भी डेसिमल नहीं, यानी क्या है, डेसिमल एंड में है। तो आए कदम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि 4, यानी कि 4.98 × 10⁻¹ कितने होंगे, अगर आप, तो आपको भी आ गया होंगे कितने नंबर हम आए, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट आए हैं या राइट, ये ज़रूर देखना है। हम लेफ्ट आए हैं तो पावर भी कितने, 5 प्लस के आए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कितना है, 9600000। अगेन यहाँ डेसिमल कोई नहीं है, ये तो कोमा दी है, तो डेसिमल है यहाँ। तो वही स्टेप, एक कदम, दो कदम, 3 4 5 6 7, तो हम क्या कहेंगे, 9.6 × 10⁻¹ कितने कदम आए भाई, हम कितने स्टेप उठा के आए हैं 9 तक पहुंचने में, 7। तो पावर भी 7 जो है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में गए। आए क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखते हैं, क्या कह रहा है, 1469, देखें कोई डेसिमल नहीं है, इट मीन्स एंड में है। हमें तीन कदम आगे जाना होगा, क्यों, क्योंकि हमें आखिरी नंबर से पहले जो है डेसिमल के रिपुट करनी होती है, 1 2 3, यानी कि 4.169 × 10⁻¹ कितने आ जाएंगे, देखिए तीन कदम आएंगे, तीन ऊपर दे देंगे, हमारा आंसर आ गया जी। एक और देख लेते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, 8400, अगेन देयर इज नो डेसिमल हियर, सो इट मींस इट इज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। सो कितने कदम आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि उसके बाद आखिरी नंबर आ गया, यानी कि 8.4 × कितने कदम आगे हम, 4, तो इनको 10⁻¹ कितने करेंगे हम, 4, वो भी पॉजिटिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। अब कुछ इसको चेंज कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस को, और फिर वो भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपका जो है ये साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ये सारे थे आपके पॉजिटिव वाले। अब एक आध जो है नेगेटिव वाले कर लेते हैं, जैसे से सपोज इधर मैं 6 नंबर लिख रहा हूँ, वो है हमारा 0.00643, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, देखें पहले वाले में क्या हो रहा था, राइट तरफ से जो है आई थी डेसिमल, ठीक है, अब यहाँ क्या है, लेफ्ट तरफ से आ रही, यानी अब हमें इधर पहुँचना है, तो उल्टा सीन जा रही है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, 0 के बाद जो भी पहला नंबर होगा हम उसके बाद ही पॉइंट पुट करेंगे, यानी हमने 6.43 कर लिया × 10⁻¹। देखें स्टेप कितने गए, 1 2 3, और माइनस का दे देंगे, क्यों, क्योंकि अब हम राइट तरफ गए हैं, जब भी हम राइट तरफ जाएंगे तो पावर नेगेटिव करेंगे, क्लियर है।
बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन जान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, और वो है हमारा 0.0074। चलें जी कैसे होगा, चलें चलें मेरे साथ कर लेते हैं। ये एक कदम, दो कदम है, तीसरे कदम सात के बाद हम आए, यानी कि 7.4 इंटू 10^10 कितने कदम आए, एक दो तीन। चलें जी तीन में लिखता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी बिल्कुल नेगेटिव। तो ये इतना ही आसान था, ये थे हमारा क्या था, ऑर्डिनरी फॉर्म से हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम साइंटिफिक से क्या इसमें करेंगे, ऑर्डिनरी फॉर्म में करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।